कर्नाटक में 10 मई को मतदान है। प्रचार के आखिरी वक्त में पीएम मोदी का बेंगलुरु में दो दिन का रोड शो शुरू हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। ये करीब 4.5 घंटे में पूरा हुआ। आज रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बीजेपी समर्थकों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए, तो वहीं आज कर्नाटक में सोनिया गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। सोनिया गांधी 4 साल में पहली बार चुनाव प्रचार करने उतरी हैं। वो आज कर्नाटक के हुबली में जनसभा को संबोधित करेंगी। सोनिया हुबली धारवाड़ से कांग्रेस कैंडिडेट और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के पक्ष में सभा करेंगी। शेट्टार टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। यहाँ बीजेपी ने महेश टेंगनीकाय को चुनावी मैदान में उतारा है। सोनिया गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद स्वास्थ्य कारणों से किसी भी चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया और न ही पार्टी की किसी भी सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में वो कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। कांग्रेस ने इस बार के कर्नाटक चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब तक 43 रैलियां, 13 रोड शो, महिलाओं और युवाओं के साथ 6 संवाद और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ 5 बैठकें कर चुके हैं। रविवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेंगलुरु के शिवाजी नगर में एक संयुक्त रैली करेंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कर्नाटक में आज पीएम मोदी के रोड शो से ज्यादा भीड़ सोनिया की जनसभा में देखने को मिल सकती है। कर्नाटक के साथ साथ देश के लोगों को भी इंतजार है कि आज सोनिया गांधी अपने भाषण में क्या कहती हैं।